Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay. दोस्तों, मैं इस चैनल पर ज्योग्राफी की और नेट जरा फर्स्ट पेपर की क्लासेस चला रहा हूँ, जो दोनों के दोनों क्लासेस रेगुलर चल रही हैं. प्रेजेंट टाइम में जो फर्स्ट पेपर है नेट जरा का, जो फर्स्ट पेपर, उसके लिए मैं प्रेजेंट टाइम में टीचिंग एप्टीट्यूड और पिछले साल के पेपर दोनों एक साथ चला रखा हूँ. और इस जो ज्योग्राफी की क्लास है, इसमें मैं इंडियन ज्योग्राफी चला रखा हूँ. दोस्तों, मेरी ये दोनों क्लासें हैं जो स्पेशली नेट जेआरएफ किसी भी यूनिवर्सिटी का एमफिल पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, इन वैकेंसियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. साथ ही पीजीटी और टीजीटी दोनों की दोनों वैकेंसियों के लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी के मैं टोटल 6 वीडियो बना चुका हूँ. सातवां वीडियो है जिसमें मैं पहले टोटल 76 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ. ये मैं दोबारा आपको बता दूँ, मेरा एक क्वेश्चन में एग्जाम के 5 से 7 क्वेश्चन इंक्लूड रहते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77. भारत की 2001 व 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 व 2011 के कुल लिंगानुपात में कितना अंतर है? भारत की 2001 व 2011 की जनगणना के कुल लिंगानुपात में कितना अंतर है? भारत की 2001 व 2011 की जनगणना के कुल लिंगानुपात में कितना अंतर है? तो जो 2001 था उसका लिंगानुपात था 933 और जो 2011 है उसका लिंगानुपात है 940. दोनों के बीच 7 का अंतर है. कितने का अंतर है? 7 का. 2001 का लिंगानुपात 933 था, वहीं 2011 का लिंगानुपात 940 है. तो दोनों के बीच में 7 का अंतर है. कितने का अंतर है? 7 का अंतर है. उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या घनत्व. भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या घनत्व. भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या घनत्व जो कि 2011 के अकॉर्डिंग, सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की. दिल्ली का है 11,297. फिर बात है चंडीगढ़ का है 9,252. दिल्ली का है 11,297, चंडीगढ़ का 9,252, पुडुचेरी का है 2598. पुडुचेरी 2598. फिर दमनदीप का है 2169 है जो दमनदीप का है. फिर है लक्षद्वीप का जो जनसंख्या घनत्व है वह है 2013. लक्षद्वीप का कितना है? 2013. फिर उसके बाद आता है दादरा नगर हवेली का 698. और लास्ट अंडमान निकोबार. अंडमान निकोबार है उसका जनसंख्या घनत्व है 46. कितना? 46. सबसे ज्यादा है दिल्ली का 11,297. फिर उसके बाद है चंडीगढ़ का 9,252. फिर उसके बाद है पुडुचेरी का
2594, फिर उसके बाद है दमन द्वीप का 2169, फिर उसके बाद है लक्षद्वीप का 2013, फिर उसके बाद दादरा नगर हवेली का 698 और सबसे लास्ट में अंडमान निकोबार का मात्र 46, जो पहले 43 था। उसके बाद साक्षरता की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, क्वेश्चन नंबर 79 साक्षरता की भारत की एवरेज साक्षरता कितनी है, 1000 व्यक्तियों में कितने परसेंट या कितने लोग पढ़े हुए हैं, 1000 व्यक्तियों में कितने व्यक्ति पढ़े हुए हैं, तो जो साक्षरता है वो भारत की है 74.04%, भारत की साक्षरता 74.04% है। अब सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम साक्षरता वाले राज्य और न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम साक्षरता वाले राज्य प्रतिशत के आधार पर, और उसके बाद बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य वही परसेंट में। अधिकतम साक्षरता वाले राज्य और न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य, अधिकतम साक्षरता है सबसे पहले आता है केरल, जो केरल की साक्षरता है वह 94.94%। दूसरा आता है मिजोरम, तीसरा आता है गोवा और चौथा आता है त्रिपुरा। जो मिजोरम है उसकी साक्षरता कितनी है, 91% है, कितने परसेंट है, 91.3%। गोवा की 88.7%, गोवा की जो साक्षरता है वो 88.7% और त्रिपुरा की है 88.2%। उसके बाद बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य वही परसेंट के आधार पर, तो न्यूनतम साक्षरता है बिहार की, सबसे पहला आता है बिहार, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है झारखंड, सॉरी राजस्थान, और चौथे नंबर पर है झारखंड। सबसे कम साक्षरता है बिहार की, बिहार की साक्षरता है मात्र 61.8%, अरुणाचल प्रदेश की है 65.4%, राजस्थान की है 66.1% और झारखंड की साक्षरता है 66.4%। ये थे न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य परसेंट के आधार पर। उसके बाद बात करते हैं अधिकतम साक्षर जनसंख्या वाले राज्य और न्यूनतम साक्षर जनसंख्या वाले राज्य। एक है अधिकतम साक्षर जनसंख्या वाले राज्य, दूसरा है न्यूनतम साक्षर जनसंख्या वाले राज्य। तो अधिकतम साक्षर जनसंख्या है यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल वेस्ट बंगाल और बिहार। अधिकतम साक्षर जनसंख्या कहाँ है,
उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बंगाल में और बिहार में। और न्यूनतम साक्षर जनसंख्या कहाँ पर है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा। ये थे साक्षरता से रिलेटेड। दोबारा बताता हूं, पॉइंट एक बना लेते हैं इसको, इसको पॉइंट दो बना लेते हैं। आप कैसे भी बना लो। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम साक्षरता वाले राज्य। तो अधिकतम साक्षरता वाले राज्य परसेंट के आधार पर सबसे ज्यादा केरल में 94%, फिर मिजोरम में 91.3%, फिर गोवा में 88.7% और त्रिपुरा में 88.2%। वहीं यदि न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य परसेंट के आधार पर देखा जाए तो सबसे कम साक्षरता है बिहार में 61.8%, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 65.4%, फिर उसके बाद राजस्थान में 66.1% और झारखंड में 66.4%। दोस्तों मोस्टली क्वेश्चन पुटअप होता है तो इन दो जगह कन्फ्यूज करता है वो, राजस्थान और झारखंड। तो इनको आप स्पेशली नोट कर लो, जो राजस्थान और झारखंड का जो जब क्वेश्चन मैचिंग का आता है या फिर क्वेश्चन पुटअप करता है कि निम्नलिखित को साक्षरता के आधार पर व्यवस्थित करो, तो उसमें राजस्थान और झारखंड का नंबर ऊपर नीचे कर देता है। झारखंड को अरुणाचल प्रदेश के बाद में दे देगा और राजस्थान को झारखंड के बाद में दे देगा, मतलब झारखंड की जगह राजस्थान और राजस्थान की जगह झारखंड कर देता है, इन दोनों को ऊपर नीचे कर देता है वो। उससे कन्फ्यूज क्वेश्चन होता है जो थोड़ा कन्फ्यूज का हो जाता है। तो राजस्थान और झारखंड इन दोनों को आप स्पेशली याद करना। उसके बाद आता है अधिकतम साक्षर जनसंख्या वाले राज्य, वो हो गए परसेंट के आधार पर, ये आते हैं अधिकतम साक्षर जनसंख्या वाले राज्य। अधिकतम साक्षर जनसंख्या है सबसे ज़्यादा यूपी में साक्षर जनसंख्या है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर पश्चिमी बंगाल में और फिर बिहार में। सबसे ज़्यादा साक्षर जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और बिहार, इसमें सबसे ज़्यादा साक्षर जनसंख्या है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर ओवरऑल सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। जो ये चारों राज्य हैं वो अधिकतम जनसंख्या वाले राज्य हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ओवरऑल साक्षर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। वहीं बात करें न्यूनतम साक्षर वाले जनसंख्या, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ की न्यूनतम साक्षर जनसंख्या है वहाँ पर। सबसे पहला आता है सिक्किम, सिक्किम में सबसे कम साक्षर जनसंख्या है, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है मिजोरम और फिर आता है गोवा। सबसे कम साक्षर जनसंख्या सिक्किम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर मिजोरम में और फिर गोवा में। यहाँ पर मिजोरम में सबसे कम साक्षर जनसंख्या है, वहीं मिजोरम में साक्षरता सबसे ज़्यादा 91.3% है। तो मैं अभी बता दिया कि जहाँ पर अधिक साक्षर जनसंख्या है ये चारों राज्य है, ये ओवरऑल अधिकतम जनसंख्या वाले राज्य हैं, जबकि ये न्यूनतम साक्षर जनसंख्या वाले राज्य हैं, ये कम जनसंख्या वाले राज्य हैं। जो न्यूनतम साक्षर जनसंख्या वाले राज्य हैं चारों, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा, यहाँ पर ओवरऑल जनसंख्या कम पाई जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल न्यूनतम साक्षर जनसंख्या वाले राज्य हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, तपोवन व विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना का है। तपोवन व विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 80 है कि तपोवन व विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में धौलीगंगा नदी पर है। जो तपोवन व विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना है वो उत्तराखंड में धौलीगंगा नदी पर है। कौन सी पर है? धौलीगंगा नदी पर। क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि तपोवन व विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कौन सी नदी पर है? धौलीगंगा नदी पर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81,
क्वेश्चन नंबर 81 है कि जनजाति कल्याण समिति, जनजाति कल्याण समिति 1952, जनजाति कल्याण समिति 1952 ने भारतीय जनजातियों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? क्वेश्चन नंबर 81 है कि जनजाति कल्याण समिति 1952 ने भारतीय जनजातियों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो इसने भारतीय जनजातियों को टोटल 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। कितनी? 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। जनजाति कल्याण समिति 1952 ने भारतीय जनजातियों को कुल 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, ऊर्जा स्रोत और राज्य, मतलब कौन सा ऊर्जा स्रोत कौन से राज्य में, राज्य या स्थान, स्थान राज्य दोनों में बताता हूँ आपको। सबसे पहला आता है भूतापीय, भूतापीय जो, एक मिनट में इसको थोड़ा उल्टा लिख दिया, स्थान ऊर्जा स्रोत और राज्य, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं मनीकरण की, मनीकरण 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 है जो एक भूतापीय ऊर्जा स्रोत है, भूतापीय ऊर्जा स्रोत है जो कि हिमाचल प्रदेश में, एक है मनीकरण भूतापीय ऊर्जा स्रोत, मनीकरण है जो भूतापीय ऊर्जा स्रोत है जो कि हिमाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद आता है खंबात की खाड़ी, खंबात जो खंबात है वो पवन ऊर्जा स्रोत है, पवन ऊर्जा से संबंधित है जो कि गुजरात में है, जो खंबात है वो पवन ऊर्जा से संबंधित है गुजरात में। फिर उसके बाद आता है समुद्री लहर, क्या समुद्री लहर जो कि विजिंगम में है, जो कि केरल में है, जो समुद्री लहर है वो विजिंगम में, विजिंगम, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया यार, विजिंगम है जो समुद्री ऊर्जा से संबंधित है, जो विजिंगम है वो समुद्री ऊर्जा से संबंधित है जो कि केरल में है, विजिंगम समुद्री ऊर्जा से संबंधित है जो कि केरल में। और लास्ट आता है नाभिकीय है, जो सबसे पहले आता है केगा, उसके बाद आता है केगा जो कि नाभिकीय है, ये कर्नाटक में है। ये चार थे, मनीकरण है जो एक भूतापीय ऊर्जा स्रोत है हिमाचल प्रदेश में, खंबात की खाड़ी पवन ऊर्जा से संबंधित है गुजरात में है, विजिंगम समुद्री ऊर्जा से संबंधित है केरल में है, और केगा जो कि एक नाभिकीय ऊर्जा स्रोत है कर्नाटक में। अब उसके बाद भारत के जितने भी प्रमुख नाभिकीय संयंत्र हैं उसके बारे में बताता हूं मैं, भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा स्रोत
भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, जिसमें सबसे पहला आता है रावत भाटा, ये राजस्थान में। दूसरा आता है केगा, ये कर्नाटक में। उसके बाद आता है काकरापारा, ये गुजरात में। उसके बाद आए नरोरा, ये उत्तर प्रदेश में। जो नरोरा है वो देश का सबसे बड़ा नाभिकीय संयंत्र है, देश का सबसे बड़ा नाभिकीय संयंत्र है। जो नरोरा है उत्तर प्रदेश में है, देश का सबसे बड़ा नाभिकीय संयंत्र है। उसके बाद आता है पांचवा कल्पकम, कल्पकम जो कि केरल में है। उसके बाद आता है पांचवा कल्पकम जो कि केरल में है। छठा है तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है। तारापुर जो कि महाराष्ट्र में, और खंबात जो कि गुजरात में। तो ये थे भारत के, खंबात कोई नाभिकीय संयंत्र नहीं है। तो ये थे टोटल 6 नाभिकीय संयंत्र। कौन कौन से? सबसे पहले रावत भाटा जो कि राजस्थान में, उसके बाद आता है केगा जो कि कर्नाटक में, काकरापारा जो कि गुजरात में, नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में, देश का सबसे बड़ा नाभिकीय संयंत्र है, कल्पकम जो कि केरल में, और तारापुर जो कि महाराष्ट्र में। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। भारत का प्रमुख जनजाति बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का जनजाति बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का जनजाति बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है? तो वो है बस्तर, बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भारत का जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बस्तर है जो कि छत्तीसगढ़ में। इस पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि भारत का जनजाति बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का जनजाति बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है? वो है बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ में। बस्तर पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन पुटअप होता है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बस्तर में, छत्तीसगढ़ में। और जो बस्तर छत्तीसगढ़ है वो भारत का जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है या जनजाति बाहुल्य जिला है। क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 83 कि भारत का जनजाति बाहुल्य क्षेत्र या जिला कौन सा है? तो वह बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ में। बस्तर जो छत्तीसगढ़ में, उसमें इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, थोड़ा मैं और पीछे लिख देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। क्वेश्चन नंबर 84 है मूंगफली गुजरात, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो का है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा चावल का है, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, और लास्ट है रागी, रागी का है कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, रागी कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ये चार प्रमुख फसल है। मूंगफली, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है, फिर आंध्र प्रदेश में होता है और फिर तमिलनाडु में होता है। फिर उसके बाद आता है जो, जो का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर हरियाणा में होता है। फिर आता है चावल, चावल का सर्वाधिक उत्पादन बंगाल करता है, फिर उत्तर प्रदेश करता है और फिर पंजाब करता है। और यदि रागी की फसल बात की जाए तो रागी की जो फसल है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र करता है। अब मैं इन फसलों से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें हैं वो लिखा रहा हूँ आपको, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत विश्व का 21% चावल एवं 12% गेहूं उत्पादन करता है। भारत विश्व का 21% गेहूं एवं 21% चावल एवं 12% गेहूं का उत्पादन करता है। भारत विश्व का 21% चावल और 12% गेहूं का उत्पादन करता है, जो के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र फल एवं उत्पादन करने में, जो का क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान उत्तर प्रदेश का एवं दूसरा स्थान राजस्थान का है। जौ का क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है और दूसरा स्थान राजस्थान का है। जौ का क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है और दूसरा स्थान राजस्थान का है। उसके बाद तीसरी बात करते हैं चावल के बारे में। चावल के बारे में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें। भारत की कुल कृषि भूमि के लगभग 25% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत की कुल कृषि भूमि के 25% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। भारत के कुल कृषि भूमि के 25% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। भारत की कुल खाद्यान्न भूमि के 32% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। भारत की कुल खाद्यान्न भूमि के 32% भाग पर
चावल की कृषि की जाती है, वहीं भारत की कुल कृषि भूमि के 25% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। कुल खाद्यान्न के उत्पादन में चावल का हिस्सा 42% है। कुल खाद्यान्न के भारत के कुल खाद्यान्न में चावल की हिस्सेदारी 42% है। भारत के कुल खाद्यान्न में चावल की हिस्सेदारी 42% है। कितनी परसेंट है? 42% है। भारत के कुल खाद्यान्न में चावल की हिस्सेदारी 42% है। मूंगफली के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। मूंगफली के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। क्वेश्चन था फसलों से रिलेटेड। अब मैं इसमें कुछ कुछ फसलें हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से बता दिया हूँ। यहाँ दोस्तों मैं ये फसल्स हैं इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे बताऊंगा। साथ ही साथ में जितनी भी फसल हैं उनका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को आप प्लीज़ ज़रूर देखें। उसमें सारी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। यहाँ भी वो सारी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ मैं जो एग्जाम्स में पूछे जाने लायक हैं। वैसे फसलों के बारे में आप बहुत पढ़ सकते हो, बहुत मैटर है, बट उसमें पढ़ने लायक क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात वो है। बात करते हैं मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु करता है। जौ का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा करता है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब करता है। रागी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र करता है। भारत विश्व का 21% चावल एवं 12% गेहूं का उत्पादन करता है। भारत विश्व का 21% चावल और 12% गेहूं का उत्पादन करता है। जौ का क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान उत्तर प्रदेश है और दूसरा स्थान राजस्थान है। जौ का क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान उत्तर प्रदेश है और दूसरा राजस्थान है। चावल के बारे में बताऊँ, भारत के कुल कृषि भूमि के 25% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। भारत के कुल कृषि भूमि के 25% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। भारत की कुल खाद्यान्न भूमि के 32% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। भारत की कुल खाद्यान्न भूमि के 32% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। भारत के कुल खाद्यान्न में चावल की हिस्सेदारी 42% है। भारत के कुल खाद्यान्न में चावल की हिस्सेदारी 42% है। मूंगफली के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, विश्व के समान भारत में मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की चार अवस्थाएं हैं। विश्व के समान भारत में मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की चार अवस्थाएं। विश्व के समान भारत में मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की चार अवस्थाएं हैं। विश्व के समान भारत में मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की चार अवस्थाएं। सबसे पहला आता है अवस्था, दूसरा आता है क्या युग, और तीसरा आता है पर्वत। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण।
सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रथम चरण की। प्रथम चरण पूर्व कैम्ब्रियन काल से संबंधित था। पूर्व कैम्ब्रियन काल प्रथम चरण पूर्व कैम्ब्रियन युग था, जिसमें अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। जो प्रथम चरण था पूर्व कैम्ब्रियन काल, जिसमें अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ। दूसरा था हर्शियन काल, सॉरी दूसरा चरण था कैलिडोनियन युग। दूसरा काल था या दूसरा चरण था उसमें था कैलिडोनियन युग। कैलिडोनियन युग में पूर्वी घाट की पहाड़ियों का निर्माण हुआ था। किसकी? पूर्वी घाट की पहाड़ियों का। जो द्वितीय चरण था वो कैलिडोनियन युग से संबंधित था, जिसमें पूर्वी घाट की पहाड़ियों का निर्माण हुआ था। तीसरा चरण था जो हर्शियन युग से संबंधित था। जो तीसरा चरण है, जो तृतीय चरण है वो हर्शियन युग से संबंधित है। इसमें विद्यांचल और सतपुड़ा, विद्यांचल व सतपुड़ा पर्वतों का निर्माण हुआ था। जो तीसरा चरण है वो हर्शियन युग से है, जिसमें विद्यांचल व सतपुड़ा पर्वतों का निर्माण हुआ था। और चौथा है, चतुर्थ चरण में तृतीय युग। जो चतुर्थ चरण है उसमें आता है तृतीय युग, जिसमें हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। जो चतुर्थ चरण था और तृतीय युग से संबंधित था, जिसमें हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। हिमालय पर्वत सबसे सबसे नवीन पर्वत है। जबकि जो अरावली पर्वत है वो भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। जो अरावली पर्वतमाला है वो भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला धारवाड़ कालीन धारवाड़ियन जो अरावली पर्वतमाला है वो धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है। जो अरावली पर्वतमाला है वो धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है। कौन सी उसे? धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है। विश्व के समान भारत में मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति के टोटल चार अवस्थाएं हैं या टोटल चार चरण हैं, जिसमें पहला चरण है जो पूर्वी कैम्ब्रियन काल से संबंधित है, जिसमें अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है और भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। उसके बाद आता है द्वितीय चरण, जिसको कैलिडोनियन युग से संबंधित है, जिसमें पूर्वी घाट का निर्माण हुआ था या पूर्वी घाट की पहाड़ियों का निर्माण हुआ था। तृतीय चरण है हर्शियन युग से संबंधित, जिसमें विद्यांचल और सतपुड़ा पर्वतों का निर्माण हुआ था। चतुर्थ चरण है तृतीय युग से संबंधित, जिसमें हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। हिमालय पर्वत भारत का सबसे नवीन पर्वत है, सबसे नवीन पर्वत है। और जो अरावली पर्वतमाला है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 86 में आपको यही सॉल्व करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 86 जो फोटुला दर्रा है, एक दर्रा है फोटुला दर्रा, फोटुला दर्रा फोटुला दर्रा
जो कि जम्मू कश्मीर में है। पूछ लेता है कि फोटुला दर्रा कहाँ पर है। फोटुला दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। फोटुला दर्रा जम्मू कश्मीर में। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ कितना टाइम का हो गया वीडियो। अभी एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 87, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर नंबर 87 है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बना रखा हूं। वो ट्रिक है बिल्कुल एक सही सटीक ट्रिक है ये। इसमें कोई भी वैसे गलती नहीं की गई है। लोग क्या करते हैं, वैसे ट्रिक बनाते हैं और जिसमें वो क्या तो कुछ चीजों को छोड़ देते हैं या फिर कुछ वैसे एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। ये ट्रिक बिल्कुल सही है, बिल्कुल ओरिजिनल बोल सकते हो आप, एक ओरिजिनल ट्रिक है ये। क्योंकि इन ट्रिकों को जो जो मैंने ट्रिक याद की थी वो मैंने अपने हिसाब से बनाई थी। आपको पता है कि जो बंदा खुद प्रिपरेशन करता है तो वो खुद के लिए तो बेस्ट करेगा, उसमें वो कुछ खुद के लिए गलत नहीं कर सकता। तो ये ट्रिक्स मैंने खुद ने बनाई थी अपने खुद के याद करने के लिए। ट्रिक का भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बहुत कंफ्यूज की चीज़ें थी जिनको याद करने के लिए मैंने कुछ फॉर्मूलाज अपनाए थे, कुछ ट्रिक्स बनाई थी। उन ट्रिक्स को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा एक अलग से वीडियो बना के। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं नेट जेरफ का असिस्टेंट प्रोफेसर का एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हूँ, और यदि आप उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हूँ, यदि आप उसमें ऐड होना चाहते हो तो उसके मोबाइल नंबर 7891350470 पर आप यूट्यूब हाय लिखकर भेज सकते हो। दोस्तों मैं नैर जी आर एफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हूँ जिसके मोबाइल नंबर है 7891350470। उसके ऊपर आप यूट्यूब हाई लिख के भेज सकते हो, जिससे मेरे को पता चल जाएगा कि आपने मेरा वीडियोस देख के और मेरे को ग्रुप में ऐड होने के लिए अपने नंबर सेंड किए हैं। तो वो ट्रिक है पद्मा सुबह मेरे गोकुल के कृष्ण को पुदीना पिलाकर वश में कर। कृष्ण को पुदीना पिलाकर वश में कर। आपको शायद दिख रहा होगा वश में कर। हाँ, पद्मा सुबह मेरे गोकुल के कृष्ण को पुदीना पिलाकर वश में कर। ये एक ट्रिक है जिसमें पै का मतलब है पद्मा, दमा का मतलब है दामोदर, सु का मतलब है सुवर्ण रेखा, सु का मतलब है सुवर्ण रेखा नदी, वह का मतलब है ब्राह्मण मिनी नदी जिसको वेतनी नदी बोलते हैं। ब्राह्मणी नदी जिसको वेतरणी नदी भी बोलते हैं। मेरे का मतलब है महानदी, गो का मतलब है गोदावरी, कृष्ण का मतलब है कृष्णा, पो का मतलब है पोदीना में जो पो है पो का मतलब है एक मिनट यार, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। एक मिनट का वेट करो वरना मैं यार आपको मिस्टेक लगाऊंगा। उससे बेस्ट है मैं देख लूँ एक बार।
छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने। पोदीना में पो का मतलब है पोनार, पी का मतलब है पलार, पलार और वस का मतलब है वे गई, जहां पर ये वे उसका मतलब है वे गई। देखो ये था एक, पद्मा सुबह मेरे गोकुल के कृष्ण को पुदीना पिलाकर वश में कर, ये एक ट्रिक है। पद्मा सुबह मेरे गोकुल के कृष्ण को पुदीना पिलाकर वश में कर, जिसमें पै का मतलब है पद्मा नदी, दमा का मतलब है दामोदर नदी, सु का मतलब है सुवर्णरेखा नदी, भय का मतलब है ब्राह्मणी नदी जिसको वेतरणी नदी भी बोलते हैं, मे का मतलब है महानदी, गो का मतलब है गोदावरी नदी, कृष्ण का मतलब है कृष्णा नदी, पो का मतलब पुदीना में जो पो है पो का मतलब है पोनार नदी, पी का मतलब है पलार नदी और वे का मतलब है वेगई नदी। तो दोस्तों ये थी एक ट्रिक जिससे आपको पूरी पूरी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमवाइज ये सारी सारी नदियाँ हैं, ये सबसे उत्तर में, सबसे उत्तर में और ये सबसे सबसे दक्षिण में, ये सबसे दक्षिण में। अब इन नदियों से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बता देता हूँ, यहीं लिखा देता हूँ मैं आपको। सुवर्णरेखा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उत्तर में झारखंड में बहती है, कौन सी है सुवर्णरेखा नदी, सुवर्णरेखा नदी प्रायद्वीपीय, मैं इसको साफ करके फ्री आपको लिखा देता हूँ, मैं इसको आप नोट कर लेना। सत्तासीवां क्वेश्चन का अगला पार्ट है, सुवर्णरेखा नदी प्रायद्वीपीय भारत भारत के सबसे उत्तर की नदी है जो झारखंड में बहती है, एक है सुवर्णरेखा नदी प्रायद्वीपीय भारत के सबसे उत्तर की नदी है जो झारखंड में बहती है। क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीपीय भारत के सबसे उत्तर की नदी कौन सी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है यह झारखंड में बहती है। एक बात इंपॉर्टेंट कि सुवर्णरेखा नदी प्रायद्वीपीय भारत के सबसे उत्तर की नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है यह झारखंड में बहती है। उसके बाद आता है महानदी, महानदी छत्तीसगढ़ व ओडिशा में बहती है, महानदी छत्तीसगढ़ व ओडिशा में बहती है। जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बहती है, कृष्णा नदी कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में बहती है, जो कृष्णा नदी है वो कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में बहती है, पेन्नार नदी है जो कर्नाटक में बहती है,
पेन्ना नदी है जो कर्नाटक में बहती है, पेन्ना नदी है जो कर्नाटक में बहती है, कावेरी नदी कर्नाटक केरल तमिलनाडु में बहती है। कर्नाटक केरल तमिल नाडु में बहती है। समुद्र का नजदीक अभी मैं बता दिया कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली समस्त नदियां जो उत्तर से दक्षिण की ओर एक व्यवस्थित क्रम में है, तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है। उसके बाद बात करते हैं समुद्रेखा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उत्तर की नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यह झारखंड में बहती है। महानदी है जो छत्तीसगढ़ व ओडिशा में बहती है। कृष्णा नदी है जो कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में बहती है। पेन्ना नदी है जो कर्नाटक में बहती है। और कावेरी नदी है जो कर्नाटक केरल व तमिलनाडु में बहती है। दोस्तों मेरा ये वीडियो अब यहीं समाप्त होता है क्योंकि ये 40-45 मिनट का एक वीडियो बन गया है। दोस्तों मैं एक बात बताऊं आपको, मेरे एक वीडियो में मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चनों के बीच में क्वेश्चंस रहते हैं, बट उन 10-15 क्वेश्चनों में आपके 100 से 150 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब जैसे यही एक क्वेश्चन है 87 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, पूरी नदियाँ क्रम से, नदियों के बारे में, फिर 5 ये मोस्ट पॉइंट। तो मेरा हर एक वीडियो आपको 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाता है, कितने 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाता है, और वो सारे के सारे क्वेश्चन उस क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहो, मैं टोटल इंडियन ज्योग्राफी के आपको 1000 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, साथ ही साथ मैं प्रैक्टिकल थॉट रीजनल ज्योग्राफी इको ज्योग्राफी पॉपुलेशन ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी की जितनी भी ब्रांच हैं वो सारी की सारी मैं आपको इस चैनल पर पढ़ाऊंगा, जो आपको जेरफ के लिए 100% इम्पोर्टेंट रहेंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी, साथ ही साथ किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। इम्पोर्टेंट ही नहीं, वो आपका एक अच्छा स्कोर करवाएंगे। मेरे ये जो वीडियोज हैं, ये जो क्वेश्चन हैं, ये एक अच्छा स्कोर करवाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 88 से 100 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें मैं वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाऊँगा। यदि आपको मेरा ये चैनल ये वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो यार, मैं जिससे बार बार नहीं कहूँ आपको, क्योंकि मेरे को अभी इतना पॉजिटिविटी नहीं मिल रहा, जो चैनल है मैं जिस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ उस तरीके से मेरे को अपनी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, थैंक्स देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो और स्टडी अच्छी तरीके से करो। बाय।